शादी में आ रही अड़चनों को तुरंत दूर करने के लिए करें ये टोटके, होगी चट मंगनी पट ब्याह। अगर आपके माता पिता आपकी शादी को लेकर परेशान हैं, तो यहाँ हम बता रहे हैं कुछ ऐसे टोटके जिसको अगर आप आजमाएंगे तो चट मंगनी पट ब्याह होगा। बच्चे जब विवाह योग्य हो जाते हैं तो माता पिता को उनकी शादी की चिंता सताने लगती है। कई बार सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी शादी नहीं होती। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई बार कुंडली में दोष होने की वजह से भी शादी में अड़चन आती है। ग्रहों के कमजोर होने से शादी में कोई न कोई रुकावट आती ही रहती है। ऐसे में जरूरी है कि कुछ उपायों को आजमाया जाए ताकि विवाह में किसी भी प्रकार की अड़चने न आए। शादी जल्दी होने के टोटके, जल्दी शादी होने के टोटके। टोटका एक, जब भी शादी के प्रस्ताव के लिए जाएं तो जाते समय थोड़ा गुड़ खाकर और पानी पीकर ही जाएं। काफी लाभ देखने को मिलेगा। टोटका दो, रोज सुबह स्नान के बाद ब्रह्म मुहूर्त में सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं। टोटका तीन, जब दुल्हन को मेहंदी लग रही हो तब आप दुल्हन के हाथों से थोड़ी मेहंदी लगवा लें। ऐसा करने से विवाह का मार्ग जल्द से जल्द खुल जाता है। टोटका चार, जब भी नहाएं तो नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर नहाएं। ऐसा रोज करें। टोटका पाँच, भगवान शिव और पार्वती जी की एक साथ पूजा करें। शिवलिंग पर कच्चा दूध और साथ में कुमकुम चढ़ाएं। टोटका छः, तांबे का एक चौकोर आकार का टुकड़ा ले और उसे जमीन में दबा दे। ऐसा करने से सूर्य ग्रह में जो बाधा आ रही है वो दूर हो जाएंगी। टोटका सात, गुरुवार के दिन दो आटे के पेड़े में थोड़ी हल्दी लगा ले, उसके साथ थोड़ा गुड़ और चने की गीली दाल भी ले और गाय को भोग लगाएं। टोटका आठ, आप जिस भी पलंग पर सोते हैं उस पलंग के नीचे कोई भी लोहे की वस्तु अथवा कूड़ाकबाड़ ना रखा रखें। इससे शादी में बाधा आती है।